तुहानू दस दईए कि जलंधर च कल भी किसानां दा धरना जारी ही रहेगा। जी हाँ, कल दोपहर 12 बजे चंडीगढ़ च किसानां दी सरकार दे नाल इक बैठक होने जा रही है। यह बैठक काफ़ी अहम समझी जा रही है। किसान आगू मनजीत सिंह राय ने सरकार नूं चेतावनी दे नाल नाल अल्टीमेटम भी दे दिता है। क्या दिता गया, साफ क्या दिता गया कि जेकर कल सरकार ना मनी तो मंगलवार तो यानी कि परसों तो पंजाब दीआं सारीआं सड़कां जाम कर दित्तीआं जाणगीआं। जी हाँ, किसानों वालों पूरा पंजाब जाम करन दी चेतावनी दे दित्ती गई है पंजाब सरकार नूं। दस दिए कि किसान गन्ने दीआं कीमतां च वाधा अते बकाया राशि जारी करन दी मंग कर रहे ने। लंघे कल तो जलंधर च नैशनल हाईवे अते रेलवे ट्रैक किसानों ने जाम किया होया। इस करके पहले ही मुसाफरां नूं काफ़ी दिक्कतां काफ़ी परेशानियों का सामना करना पै रहा है। पर हुण जेकर कल दी मीटिंग बेसिट्टा रहिंदी है, कल दोपहर 12 बजे चंडीगढ़ च किसानों की सरकार के नाल जिहड़ी बैठक है वह बेसिट्टा रहिंदी है, तो मनजीत राय ने कह दिता है कि सारा पंजाब पंजाब दीआं सारीआं सड़कां सारे हाईवे जाम कर दिते जाणगे। ऐसे खबर से फिलहाल सीधा रुक करते हैं होर अपडेट लिए साढ़े सहयोगी पत्रस मसीह इस वेल जलंधर तो साढ़े जुड़ रहे हैं। पत्रस, सब तो पहला तो अपडेट भी चाहेंगे तुहाडे कोलों क्योंकि मुसाफर काफ़ी खज्जल खुआर हो रहे हैं जलंधर के जिस ढंग का ना धरना ला के सड़क और रेलवे ट्रैक जाम किया गया, इसको लैके स्थिति की है, तो नाल ही हुण किसानों की अगली रणनीति की है? देखो अमित, किसान अपनी जिहड़ी मंग दे उत्ते पूरी तरह दे नाल अड़े हुए ने कि जब तक 400 रुपया प्रति क्विंटल गन्ने की फसल का रेट नहीं ऐलाना जाता तद तक वो इत्थे डटे रहणगे। और तस्वीर अज भी कल वर्गी है, कल जिस तरीके नाल किसान पूरा दिन इत्थे डटे रहे, कल दी रात इस हाईवे उत्ते बताई है ट्रैक के उत्ते किसान जिहड़े आ रात नूं सुते ने और अज भी उही तस्वीर जिहड़ी आ नज़र आ रही है। कल यानी कि ऐतवार नूं सवेरे 12 बजे पंजाब भवन दे विच चंडीगढ़ के किसानों की मीटिंग होनी है कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा होरां दे नाल। और उस मीटिंग दे विच जेकर कोई हल निकलता है तो किसान आख रहे हैं ठीक है ये अपना इतों मोर्चा चक लिया जाएगा, नहीं तो फिर मंगलवार तो पंजाब के सारे जिहड़े रस्ते आ वो सील कर दिए जाएंगे। सो कल की मीटिंग काफ़ी अहम रहने वाली है। कल जेकर सरकार कोई इन्हों कोई जी गल मान लें कोई इन्हों का मसला हल कर दिता जाता तो किसान इस हाईवे और इस जो लगता रेलवे ट्रैक है उसको खाली कर देंगे। थोड़ा दस दिए कि इस रेलवे ट्रैक के उत्ते किसानों के बैठन के नाल 107 के करीब जिहड़ियां गड्डियां ने उन्हां दी आवाजाई प्रभावित हुई है। 50 के करीब वह गड्डियां ने जिहड़ियां रद्द करनियां पईयां ने रेलवे विभाग नूं और 18 के करीब ऐसियां गड्डियां ने जिहड़ियां डायवर्ट करके चलाईयां जा रहियां ने वख-वख बदलवें रूटां दे राहीं। सो सड़की और रेल आवाजाई बुरी तरह दे नाल प्रभावित हुई है। रखड़ी का दिन जिस तरीके नाल कल नूं हैगा लोगों ने आना जाना भी है पर उसके बावजूद इस जगह उत्ते किसान जिहड़े आ उह डटे रहणगे। उन्हां दे वल्लों लोगों तो माफ़ी भी मंगी जा रही है, लोगों नूं अपील भी की जा रही है कि सहयोग किया जाए बदलवें रस्ते राही अपनी मंजिलों नूं जाण। और कल दा दिन किसान आख रहे ने कि काफी अहम रहने वाला है। बदलवें रस्ते दी जिहड़ी गल है जिहड़ी गल की जा रही है इस नूं लैके भी गलबात करांगे, पर मुख तौर दे उपर जेकर मंगां दी गल की जाए पत्रस, मंगां जिहड़ियां रखियां जा रहियां ने किसानां वल्लों की समझा जाए, सरकार वल्लों की पेशकश की गई है ते उहनां मंगां नूं लैके हुण किन्ना कु स्टैंड सरकार वल्लों स्पष्ट किया गया किसानां दे सामने? देखो मंगा जिहड़ियां मोटे तौर पर तीन मंगा किसान आगू दस रहे हैं। पहली मंग है कि जिहड़ी पिछले सीजना की बकाया राशि है 200 करोड़ रुपया जिहड़ी उन्होंने 55 करोड़ सीधा सीधा सहकारी खंड मिलों का और 150 करोड़ रुपये के करीब जिहड़ी रकम है वह प्राइवेट खंड मिलों की है वह जारी की जाए उसके वास्ते लिखती रूप सरकार दे वालों दिता जाए कि करो तक खात्या जाएगी। और दूसरी जिहड़ी वड्डी मंग है जां मुख मंग जेकर आख लईए 400 रुपया प्रति क्विंटल गन्ने की कीमत तय करन दी मंग है। और तीसरी मंग जिहड़ी हैगी है कि जिहड़ियां फर्दां किसानां तों मंगियां जा रहियां ने आने वाली जिणस वास्ते उस नोटिफिकेशन उस ऐलान नूं वापस लैण दी गल जिहड़ी है सरकार दे वल्लों, एक किसान इस मंग नूं लैके सरकार दे नाल कल गलबात करनगे। की गलबात हुंदी है हाले तक क्योंकि सरकार दे वल्लों संकेत कोई नहीं दिता गया, उम्मीद यही प्रगटाई जा रही है कि कल जेकर सुखावें माहौल दे विच गलबात हुंदी है तां इह जिहड़ा हाईवे है कल किसानां दे वल्लों खाली कीता जा सकदा है, नहीं तां फिर मंगलवार तों बाद अजिहियां तस्वीरां पंजाब दे वख-वख हाईवे दे उत्ते सानूं वेखण नूं मिल बिल्कुल। साढ़े 4 साल तो बीत गए हले तक तो मंगां दे वल गौर नहीं किया गया पत्रस, असीं वेखदे आ रहे हैं किसानां दीआं ए वड्डियां लंबे समय तो मंगां जिहड़ियां लटकदियां आ रही ने। फिलहाल जेकर गल की जाए बदलवे रूट की की समझा जाए, अज फिलहाल धरना लगा होया, कल भी यात्री परेशान होए अज भी परेशान हो रहे हैं, अमृतसर दे नाल कनैक्टिविटी के लिए बड़ा जरूरी मनिया जाता है पूरा का पूरा रूट, की समझा जाए अमृतसर दे नाल कनैक्टिविटी की है इस वेले जां फिर पूरी तरह जड़ा जड़ा एक कनैक्टिविटी है वह इस वेले टुटी पई है अमृतसर दे नाल?
देखो अमित ना सिर्फ अमृतसर बल्कि ये जो नैशनल हाईवे एक है जिथे असं खड़े हाँ यह दिल्ली लाहौर वाला और दिल्ली जम्मू वाला प्रमुख हाईवे है और इस हाईवे तो होके ही सारिया गड्डिया जांदियां ने और जितों तक डायवर्शन की गल हैगी है जदों असी अमृतसर वाले पासे नूं जाना हुंदा है लुधियाने तो आने तो हवेली के कोल कैंट वाले पास्यों की जो रूट डायवर्ट किया गया इस तरीके पिछे जो एक पठानकोट बाईपास हैगा जां जिहड़े उस तो अगले चौंक हैगे ने वख-वख रूटा तो पिंडां विच दी जां वख-वख दूसरे जो रस्त राही ट्रैफिक जरा डायवर्ट किया जा चुका है लोगों को बदलवे रस्ते जरूर दिए गए हैं पर जोड़े बदलवे राहों के उत्ते कई बार सड़क छोटिया होंदिया ने पिंड जदों लोग उधर जाते हैं तो ट्रैफिक जाम भी हों अजिहा माहौल भी वेखन मिलता है पर एक सीधा हाईवे आ और एक बदलवे रूट एक लोगों का समा जाया हों और लोगों को ट्रैफिक जाम का सामना करना पैंता है सो ये दिक्कत जी लोगों जरूर है बेहद औखा है लोगों के लिए और वाकई जिदा दसिया है कि किसान इस गल तो जाणू ने इस करके वो माफ़ी भी मांग रहे हैं आम जनता को जिस ढंग दी परेशानियां चलनिया पै रही ने पर किसान अपनी जगह सच्चे ने कहते हैं कि 4.5 साल हो गए सरकार उन्होंने मंगों वाल कोई ध्यान ही नहीं दे रही फिलहाल बेहद शुक्रिया पत्रस सारी जानकारी साढ़े दर्शकों तक पहुँचाने लिए इस दे नाल ही तुहानू दस दईए जिस ढंग दे नाल किसानां वल्लों इह धरना लाया गया किसान आगू मनजीत राय नाल साडे सहयोगी पत्रस मसीह ने हुण तो कुछ देर पहलां गलबात की सी उन्हां दा की कुछ कहना की कुछ कहिंदे विखाई दित्ते की कुछ जानकारी उन्होंने दित्ती एक बार वह भी सुन लैंदे इस जगह उत्ते जिहड़ा पक्का मोर्चा लगाया गया उसकी कल का रूप की रहने वाला क्योंकि कल रखड़ी का दिन है त्यौहार का दिन है राय साहब पहला गल करते हैं कि कल जो रखड़ी का दिन है त्यौहार का दिन है लोगों इतों लंघन के किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पवे उसू लैके की प्रबंध किए गए हैं और जदों कल तुसी चंडीगढ़ जाना मीटिंग के वास्ते की यह धरना इतने चलेगा इस तरीके बिल्कुल जी ये जरा धरना है निरंतर चलना है जी और उन्ना चिर चलना जिन्ना चिर सरकार ना कोई फैसला नहीं हो जाता सो असी इतों तो अपील की है कि ये जिहड़ा इधर दे इस रूट तो जाने वाले साडे भैणा भरा ने वो अपना रूट चेंज करके चले जाण इतों कोई रिलीफ नहीं मिलनी ये भी मुकम्मल बंद रहेगा और रेलवे ट्रैक भी मुकम्मल बंद रहेगा सो इस करके ये असी बेनती करते हैं कि इधरों अपना रूट चेंज करके चले जाण वैसे साडा कल पंजाब पूरा बंद करने का सीगा साडी कॉल सी पर असी उन्हूं दो दिन अगे पोस्टपोन कर लिया ये सिर्फ रखड़ी दे ध्यान देखते हुए जे सरकार नहीं मानती तो फिर मंगलवार को असी 10 बजे सारिया टूलों के जिते जिते साडे टूलों के साथी बैठे आ वो जिहड़े रोड आ बिल्कुल टोटल दे टोटल ब्लॉक कर देंगे कल तुहाडे किसान आगुआं दे वल्लों पहलां कोई अपनी लैवल ते भी मीटिंग की जाएगी मंत्री साहब नूं मिलण तो पहला जी पहला क्योंकि 12 बजे साडी पंजाब गवर्नमेंट दे नाल मीटिंग है सो उस तो पहला जिहड़ी साडी मीटिंग है असी किसान भवन अपनी 10:30 मीटिंग रखी है कि असी जदों उत्थे पहुँचना क्योंकि साडे 2-3 साथी उधरों आने हैं राजेवाल साहब डल्लेवाल साहब वो विच नहीं हैगे इत्थे सो सारे असी जो साथी एकमुट होकर एकजुट होकर एक सलाह करके फिर अगे चलांगे सो उन्होंने कल उत्थे किसान भवन आना असी भी उत्थे पहुँच जाना उत्थे बैठ के डिस्कस करके फिर अगे चलांगे 5 सालों सरकार ने कोई रेट नहीं बधाया 1 रुपया तक नहीं बधाया जे हुण असी धरना अनाउंस किया तो 15 रुपया परसों ही नहीं एक साढ़े ना वो कह दे लॉलीपॉप जिहड़ा देने वाली गल की बच्चों जिदा तो वो ये इन्हों का यह कह सकते हैं भी सरकार का रवैया ठीक नहीं है ये पूंजीपति घराने रल के किसानों की लुट करवाना चाहते हैं सो असी इन्हों बेनती करते हैं कि कैप्टन साहब जिहड़ी साडी बनदी जिनस का मुल है वो सानू पूरा दिओ साडा जिहड़ा लागत मुल है वो तुसी यूपी तो रिकॉर्ड कढ़ा के वेख लो 392 रुपए प्रति क्विंटल लागत मुल है साडी 400 डिमांड साडी जायज़ डिमांड है सानू वो पूरा मुल दिता जाए।